Hello friends. Welcome to Talent Crafts. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट क्राफ्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें टीसॉप सेंसर को कैसे यूज करना है। टीसॉप सेंसर की हेल्प से हम टीवी के रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम टीवी के रिमोट की हेल्प से एलईडी लाइट को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने एक टीसॉप सेंसर लिया हुआ है जो कि एक रिसीवर की तरह काम करेगा। इसमें सेंसर का फर्स्ट लेग ग्राउंड होता है, सेकेंड वन इज VCC एंड लास्ट वन इज आउटपुट। टीसॉप सेंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। इस वीडियो के आगे में मैंने आपको दो रिमोट का यूज़ करके बताऊंगा कि हम एलईडी लाइट को एसी के रिमोट से कैसे ऑन करवा सकते हैं एंड उसी एलईडी लाइट को टीवी के रिमोट से कैसे ऑफ करवा सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको ये जिप फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जस्ट ओके एंड दिस फोल्डर विल कम। अब इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये टीसॉप नाम का एक फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको जस्ट कॉपी करना है और सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल जहाँ पे आपने आर्डिनो को इंस्टॉल किया वहाँ जाना है। आर्डिनो में जाने के बाद आपको लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको ये फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ है, मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो। उसके बाद दोबारा आप टीसॉप सेंसर पे जाओ। यहाँ पे मैंने एक टीसॉप का डेमो कोड बनाया हुआ है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे video.Let नाम की जो हेडर फाइल है उसकी लाइब्रेरी हमने आर्डिनो के लाइब्रेरी में पेस्ट कर दी है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। सो यहाँ पे ये मतलब वेरिफिकेशन हो गया, कोई एरर नहीं है। बट अगर आपको इस video.Let में कोई एरर आई तो आपको क्या करना है, जस्ट गो टू स्केच, ओपन इंक्लूड लाइब्रेरी एंड मैनेज लाइब्रेरी। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, यहाँ पर अपना जो IR है उसको यहाँ पे टाइप करना है, IR remote.h। जैसे ही आपने IR remote.h किया, ये ऑनलाइन IR remote.h नाम की जितनी भी फाइल्स है ये सब फाइल्स को कैच करके यहाँ पे आपको शो करेगा। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फाइल यूज करनी है। सपोज मैं ये यूज कर रहा हूँ, अगर ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको वर्जन पे क्लिक करके इंस्टॉल करके अपडेट कर सकते हो। बट मुझे कोई अपडेट नहीं करना है क्योंकि मेरा पहले से रन हो रहा है, तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं आर्डिनो को अटैच करके इसका वर्क, सो मैं एक केबल इसमें अटैच कर देता हूँ। जैसे ये वाला अटैच हुआ, उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट गो टू टूल्स एंड चेक पोर्ट, इसका जस्ट अपलोड, अपलोड हो रहा है अभी। ये
मैसेज अपलोड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ। जैसे मैंने सीरियल मॉनिटर ऑन किया, कोई डेटा अपडेट या डिस्प्ले नहीं हो रही है। उसके बाद मैं ये रिमोट रखता हूँ इस आईआरएस टी शॉप के सामने। उसके बाद मैं वन प्रेस करता हूँ, 4, 7 दिस बटन दिस। अगर आप एक ही बटन को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रेस रखोगे तो वो वैल्यू अपडेट होती रहेगी सेम, इसलिए मैं तुरंत प्रेस करके काम कर रहा हूँ। सो सपोज मैं 1 प्रेस करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं ये सब हटा देता हूँ, दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो 1 में आप देखिए जो 1 टाइम डेटा आ रही है वो रियल डेटा है। तो इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसमें वो डेटा को अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 30 नंबर एलईडी को आउटपुट के फॉर्म में ले लिया। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूं। सो ये अपलोड हो गई। अब मैं जैसे 1 प्रेस करूंगा पिन नंबर 30 की लाइट ऑन हो जाएगी। सो प्लीज ऑन, एंड कोई और बटन प्रेस करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक रेड एलईडी, येलो एलईडी एंड ग्रीन एलईडी लिया, जिसको मैं 2, 3, 4 पे अटैच किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसका सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ। यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन करने के बाद जैसे मैं 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रेड एलईडी ऑन होती है और इसका जो नंबर है वो ये रहा। तो इस नंबर को मैंने ये लूप में अटैच किया है लाइक दिस। सो अगर रिजल्ट वैल्यू दिस नंबर को कंपेयर करेगी तो रेड एलईडी ऑन होगी। अगर 2 प्रेस करता हूँ तो ये वैल्यू आने के बाद रिजल्ट वैल्यू येलो एलईडी को ऑन कर देगी, और अगर 3 प्रेस करता हूँ तो 3 पे ये वैल्यू मैच होगी, और अगर मैं कुछ और वैल्यू बटन प्रेस करता हूँ तो वो डायरेक्ट ऑफ हो जाएगी। सो 1 रेड, ग्रीन एंड येल्लो, सॉरी रेड येल्लो ग्रीन, येल्लो ऑफ, यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये रिमोट है नॉर्मल अपने टीवी का, आप इसके बदले कोई भी टीवी का रिमोट ले सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फोटो डायोड है। सो ये है ट्रांसमीटर, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। यस, दिस वन इज ट्रांसमीटर एंड दिस वन इज रिसीवर। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक बटन प्रेस करता हूँ, इस ट्रांसमीटर से एक डिफरेंट टाइप की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मिलती है, और जो भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे वो मैच होती है उसकी मैंने जो 8 डिजिट या 10 डिजिट या फिर 12 डिजिट का जो नंबर है वो मैंने इसमें अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, सॉरी जैसे मैं इसको 1 प्रेस करता हूँ, रेड एलईडी ऑन होती है, और कोई और बटन प्रेस करता हूँ तो वो ऑफ हो जाती है। बट इसकी रेंज इतनी है कि अगर मैं इसको इसके सामने ना रखकर दूसरे डायरेक्शन में माउंट करके उसको प्रेस करूँ तो भी ये ऑन होती है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैमरे में कि जैसे ही हम कोई बटन एक प्रेस करते हैं तो ये जो ट्रांसमीटर है ये बेसिकली आईआर सेंसर होता है, तो जब भी ये ऑन होगी ये शो करेगी लाइक देखिए। इस रिमोट को आप किसी भी एंगल पे माउंट करके रखिए, ये तुरंत ही उसको रिसीव कर लेती है।
यहाँ पे मैं एक ओनिडा एसी का रिमोट यूज़ कर रहा हूँ जो अभी मेरे रूम में ऑन है। सो यहाँ पे मैं इसका मोड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे ऑन करता हूँ, ये पहले से डेटा ऑन थी, मैं यहाँ पे जैसे इस पे इसके सामने क्लिक करता हूँ एक डेटा आ जाती है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैंने यहाँ रेड एलईडी पे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों नंबर सेम है 10 डिजिट के। सो मैंने इसको इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इससे मैं ऑफ़ कर सकता हूँ और इससे मैं ऑन कर सकता, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये मैं देख सकते हो कि आप मल्टीपल रिमोट से इस डिवाइस को ऑन ऑफ करवा सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है ये, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि ये एसी का रिमोट है तो, और ये बहुत ही एडवांस रिमोट है, तो आप यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करो, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू सेम ही आएगी। लुक, जो वैल्यू है वो वैल्यू सब सेम है। सो यहाँ पे आप कुछ इसको चेंजेस ये कर नहीं सकते, बट यहाँ पे आप जो वैल्यू सेट करो वो वैल्यू डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।